हल हो जाएगा, परेशान मत होइए। हाँ हो जाएगा, फोटो सेशन होता रहेगा। आइए मैं इस मंच पर स्वागत वंदन ऐसे करना चाहता हूँ, एक शेर समर्पित करूंगा, उसके बाद जैसे भाई कचर रहा था गीत संगीत चलता रहेगा, कि जननी जन्म भूमि के चरण छुआया, जननी जन्म भूमि के चरण छुआया, जन जन जनार्दन का आशीर्वाद है, प्यार है, मन है, शांति है, संगीत की बहुत ही प्यार है, भोजपुरी के मंच के रखवाले खेसारी का लिया लो, आप सबको प्यार और आशीर्वाद दीजिए, सुपर स्टार है, जोर-जोर ताली बजाइए मेरे संबंध भाई, भोजपुरी स्टार शहकाए खेसारी का लिया लो, अभिनंदन और वंदन है, और प्यारे भाई गौरी, हेलो हेलो, अभी ये गए हैं भाई, गोलू गए हैं, आप गए हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक फोटो खींचाऊंगा, उसके बाद सारे लोग किसी को फोटो से सनबे मत कीजिए, तो आप लोगों से बारी बारी बाल लाके अकेले खाली फोटो खींचा चाहे ले ए बड़ा गाल गाल नहीं। हाँ अभी गोलू बाबू से गवाया जाए, बोल रहे हैं भैया भी गोलू से गवावा, अभी एगो दुगो गाना बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो, यदि हिंदुस्तान का सबसे अधिक सौंदर्य ऐश्वर्या राय के पास है, यदि हिंदुस्तान का सबसे अधिक सम्मोहन अमिताभ बच्चन के पास है, तो हमारे पास सबसे शान की बात है कि सोनपुर में आपके जैसे लोग और हम सबों के खेसारी भैया हमारे पास है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दीजिए खेसारी भैया के लिए, क्योंकि कीमत पाने की नहीं प्यार की होती है, कीमत पाने की नहीं प्यार की होती है, कीमत दरिया की नहीं रवानी की होती है। दुनिया में तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन कीमत उस गीतों की नहीं, आपकी जैसी आवाज की होती है। और मैं तमाम आपके फैन यहाँ पे लोग हैं, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाइए, इतनी कमजोर ताली सोनपुर से मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि ख्यालों की जवा लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा, ख्यालों की जवा लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा, मोहब्बत आप समझते हैं तो गजले कौन समझेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए, और मैं माइक समर्पित करता हूं बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी, एक धुन बजाइए, जिस धुन पर खेसारी भैया का जब एंट्री होता है तो ठुमका जब लगता है तो लगता है कि कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। खेसारी लाल भैया का जब एंट्री होता है तो धमाल और कमाल से होता है, तो मैं चाहता हूँ एक धुन बजाइए फास्ट म्यूजिक में, हल्का मत एंट्री का बन सकते चेहरा है खेसारी, सूरज की रूह चांद का चेहरा है खेसारी, जुगनू है तितलिया है कलेजा है खेसारी, पुरुषंत मिले सोनपुर वालों, एक बार ताली बजा दीजिए, भोजपुरी का आत्मा है खेसारी। आप सबों के बीच में कि चंपा गुलाब की हुई चमेली महक गई, बड़े भैया रविरंजन भैया के आदेशानुसार उनके सन्निधिता में रह करके दो चार पंक्तियां सिखाऊं, तब मैं कहना चाहता हूँ कि चंपा गुलाब की हुई चमेली महक गई, ये गौड़ नया सोनपुर बिहार में, जिनके दिल की हवेली महक गई, तन्हाइयों में बैठकर आंसुओं की बूंद से लिखा जो नाम उसकी हथेली महक गई। जोरदार स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए प्यारे भाई सुपरस्टार फिल्म साहब, फिल्म अभिनेता सह गायक खेसारी लाल यादव जी। ये तो इनका प्यार है कि मैं छाया हूँ, लेकिन आज मैं गायक बन के नहीं समधी बन के आया हूँ। मानिए बड़े भाई रोहित भैया, एक पिता का भी प्यार मिलता है,
और एक बड़े भाई का भी प्यार मिलता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग प्यार करते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्यार मुझे हमेशा मिला है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये प्यार कभी मरे ना, हमेशा आपका हाथ हमारे माथ पे रहे और ऐसे ही चमकते रहो आपके दिल और दिमागों में। और गोलू राजा जी मेरे सबसे अजीज छोटे भाई, जिस आदमी को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि हमने के गायक कम है जा, महीनी बहुत कम गौले बने जा, मोटका के गायक है जा। गोलू राजा के भी बहुत बड़ा एगो गाना हिट भई रहे, हिट होते 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 रहे तक लेके हो दूसर का दे हो कि याद कर जहिया कुवारी रहलू, कि गोलुआ से पहले बट कोई नहीं, हिम्मत में हारिए बिसारिए न राम को, दुनिया आपके संगीत को चुरा सकती है, बट आपके लक्ष्य को और आपके भविष्य को और आपकी ऊर्जा को नहीं चुरा। आप ऊर्जावान हैं ना, गोली लगला के बाद वो इतना ऊर्जा में तू गावे लो, आई लव यू भाई, थैंक यू सो मच कि आज इस महफिल में मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जितने लोग हैं, जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे सामने बैठे हैं, कुछ लोग कलकत्ता से आए हुए हैं, कुछ लोग प्रोड्यूसर भी हैं हमारे, सुरेंद्र भाई जिन्होंने लेकर मुझे 4 से 5 फिल्में बनाई हैं, और रोहित भैया का बहुत योगदान रहता है, बुलबुल भैया, रोहित भैया, सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं हमें। मैं कलकत्ता जब भी जाता हूँ तो होटल में नहीं भैया की आवाज पे रहता हूँ, क्योंकि वहाँ अपनापन नजर आता है। तो अगर इस बारात में मैं नहीं रहता तो शायद मैं अपने आप को मिस करता, इस जगह को मिस करता, उस मोहब्बत को मिस करता जो आप सबसे मुझे मिलती है। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग इस लायक मुझे समझते हैं। तीन देखा हो बी फ्लैट ना बी।